लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। हार्ट का भी चाहे बल्ब चेंज कराना हो वो भी हुआ था, हार्ट पेशेंट भी हैं, ब्लड शुगर का पेशेंट है, किडनी जो है लगभग 25% जो है वो काम कर रही है, लंग्स में थोड़ा पानी है। हालांकि आज जो है हाई डेफिनेशन सिटी स्कैन के लिए वो गए थे, तो हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। कोरोना वगैरह को लेकर भी हम लोगों का था कि टेस्ट हुआ है, बकायदा जहां तक जानकारी हमें मिली है वो नेगेटिव मिली है, लेकिन और भी टेस्ट कराए गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जैसा डॉक्टर का देखने के बाद जो बता पाएं, लेकिन हाँ एक उम्र होने के बाद और मल्टीपल जो डिजीज़ है उसके कारण उनको जो है काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तो अभी आज हम अपने माता के साथ अपने भाई के साथ उनसे मिलने हम लोग जा रहे हैं रांची, और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनके सेहत में सुधार हो। देखिए हम लोगों ने तो अभी विशेष परिस्थिति में, क्योंकि कानून जो जेल मैनुअल कहता है कि वो जो जेल के जो अधिकारी होते हैं उनके हाथों में होता है, अगर परिवार के लोग विशेष परिस्थिति में मिल सके तो जाहिर सी बात है हम परिवार के लोग हैं तो जल्द से जल्द ही उनसे मिलना चाहेंगे ताकि उनको देख सकें। मिसा भारती जी भी आज मुलाकात की है, तो क्या उनसे फ़ोन पर बात हुई है, क्या सकती है? हाँ नहीं वो है वही स्थिति जो है वो टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही बताई जाएगी, हालांकि जो कल सांस लेने में जो है उनको थोड़ी कठिनाई आ रही थी। राज्य सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर सांसद विधायक मंत्री सरकार के किसी भी अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अगर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई तो लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए हैं कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की शुरुआत वैशाली बिहार से ही हुई थी, और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति जो आज़ादी है, जो डेमोक्रेटिक एक राइट है, वो लोगों को मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। आप जो हैं सरकार के खिलाफ कोई बोले ना, अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो क्यों ना कोई बोले, अगर कहीं कोई विभाग में या कोई मंत्री अगर गड़बड़ी कर रहा है तो कोई क्यों ना बोले। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और समाजवादी नेताओं को क्रिटिसिज्म से डर किस बात का। तो हम तो देखिए पहले से ही कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो है लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और बार बार हमने इस बात को कहा है। आप बताइए गर्दनी बाग जो धरना स्थल है जो सरकार ने चिन्हित किया है, धरना भी आप नहीं देने दे रहे, वहां भी लाठी मार के भगा रहे हो, और आप जो है सोशल मीडिया पे अगर सरकार का उनके मंत्रियों का उनके अधिकारियों का उनकी नीतियों का उनके स्कीम्स का सरकारी स्कीम्स का योजनाओं का अगर कोई क्रिटिसिज्म अगर करे तो इसमें बुरी बात तो है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी को डर किस बात का है, किस बात का खौफ है? और इनसे साफ तौर पे आप देख सकते हैं अगर बिहार में ऐसी घटना हो रही है जो कि लोकतंत्र की जननी है, ये तो पूरा माखौल उड़ाने की बराबर है, ये तो माखौल उड़ा रहे हैं खुलेआम। इस कानून को तो अविलंब जो है सरकार को वापस लेना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही ये प्रस्ताव जो है दिया गया कानून बनाने का, और कानून बना। नीतीश कुमार जी को ये बात समझना पड़ेगा कि आप किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकते, आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी नंबर की पार्टी बना दी, लेकिन आप तो वाकई में चौथी नंबर की पार्टी थे, अभी वैसाखी पर है,
और इस तरह का काम अगर करते रहेंगे तो जनता ऐसा जवाब देगी कि विलुप्त हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, और उनका इतिहास के पन्ने में भी कहीं नाम नहीं मिलेगा। गलतियों को जग जाहिर करना क्या अपराध कहलाएगा? गलतियों को जग जाहिर करना क्या अपराध कहलाएगा? सूबे में अपराध बढ़ा है, सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। लोग अब RCP टैक्स के बारे में बात करते हैं, हमने तो खुल करके ट्वीट किया है। हम आज भी कह रहे हैं, एड़ी के चोटी पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। अगर उनको लगता है, हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं अपराधियों। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।